शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। एक मिनट का रोड प्लीज। यस। आप हिंदुस्तानी हैं? आपने मुझे पहचाना? नहीं नहीं अभी नहीं 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 पहचाना। आप रोने क्यों लगे? ये बहुत दुख भरी कहानी है भैया। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इंडिया में। मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन, मैं मोहन, वो बाएं था मैं दाएं था, और बीच में तुम्हारी माँ थी? नहीं, बाप था। हम तीनों खुशी खुशी जा रहे थे तो अचानक वो मेरी बाइक लेके भागा। कौन, बाप? नहीं, चोर। ओ। मैं कुछ नहीं कर सका, मैं चिल्लाया बापू, वो बैग लेके भाग रहा है, वो भी उसके पीछे भागा। कौन, बाप? मेरा भाई। चोर आगे था, मेरे भाई पीछे था, चोर आगे मेरे भाई पीछे, दोनों भाग रहे थे, मैं चिल्ला रहा था और वो धड़ाम से गिर गया। तुम्हारा भाई? मेरा बाप। वो पिया हुआ था, पुलिस आकर उसको पकड़ लिया। चोर को? मेरे बाप को, और उसे मारने लगे। पर तुम्हारे बाप को क्यों मारने लगे? वो उन्हें चोर समझ रहे थे, इतने में वो भाग गया। चोर? मेरा भाई। तब से उसको आज तक ढूंढ रहा हूँ। चोर को? नहीं, मेरे भाई को। कमाल है, लेकिन आपका भाई इंडिया में खोया, आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, खोया होता तो बात अलग थी ना, वो तो मौका देख के भाग गया है। और उसे कोई ज्यादा शौक नहीं था, सिर्फ दो ही शौक थे, एक तो कंगारू देखने का और एक पॉकेट मारने का। अब आप ही बताइए, पॉकेट मारने के लिए ट्रैम से कोई अच्छी जगह है? इसलिए मैंने ये ट्रैम कंडक्टर की नौकरी कर ली। सोचा कभी न कभी यहाँ पॉकेट मारने आएगा और उसे देख लूंगा और उसे मिल लूंगा। आ गया तुम्हारा भाई? तुम्हारा स्टेशन। सुनिए 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 सुनिए, अगर वो नालायक जिसकी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, अगर वो मिल जाए ना, तो ये दे देना मेरा कार्ड। कौन, चोर को? मेरे भाई को, सोहन को। भेजा घुमा दिया मेरा यारी साथी भी ने। He's turning my head. What, me? No, मेरे बाप। ही आज के वैलेंटाइन डे के फंक्शन में मिस वैलेंटाइन कौन बनेगी? मैं ही बनूंगी। ठीक है। हाँ। Oh my God, accident! Ouch! Oh my God, my tail light, my tail light! ये मेरी नई गाड़ी थी। खुल जाओ, खुल जाओ। Oh God, you! तुमने मेरी गाड़ी डैमेज कर दी। तुम इंडियंस को जब गाड़ी चलानी नहीं आती, तो दूसरे देश में आकर गाड़ी क्यों चलाते हो? अपने देश में जाकर बैलगाड़ी क्यों नहीं चलाते? ओए मैडम, आजकल इंडियंस जेट, हवाई जहाज और स्पेस में रॉकेट चला रहे हैं, और रही बात डैमेज की, तो आपने ब्रेक मारा, आपका ब्रेक लग गया, मैंने मारा नहीं लगा, जरा सी बात है। ये जरा सी बात है? चलो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि विक्की उसका नुकसान नहीं दे सकता। बोलो कितना हुआ? हाँ, 50, 100, 200, 300, 400, 500। तुम भी क्या याद रखोगी, किसी रईस हिंदुस्तानी से तुम्हारा पाला पड़ा था। ये लो। थैंक यू। यू लोफा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? कपड़े रीटा के और बातें सीता की। पुलिस 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 पुलिस। एक्सक्यूज मी मैडम, ये इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है, क्या पंगा ले लिया आपने? बीच सड़क पर गाड़ी रोककर बातें कर रहे हैं? अगर बातें कर रहे हैं तो गार्डन में जाइए, प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, नाचिए गाइए कूदिए, मेरे पापा कुछ नहीं जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। ऑफिसर, हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करके डैमेज किया है, देखिए प्लीज अरेस्ट हिम। तो आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। प्रीति, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है? ऑफिसर, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये इससे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, ओके? आई विल सी यू। कब और कहाँ? शट अप। ये तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? है? जुड़वा? हाँ। बचपन में कुंभ के मेले में खो गया था? हाँ। अरे मैं उसे मिल चुका हूँ। कहाँ? जानते हैं, वो ट्राम कंडक्टर बन गया और तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे वो ट्राम कंडक्टर मैं ही हूँ, मोहन। आप सोहन की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि वो पॉकेट मार से तरक्की करके कार चोर बन गया होगा,
और किसी की कार चोरी करके सिग्नल तोड़ के भागेगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। यही सोच के मैं ट्रैफिक पुलिस बन गया। हे भगवान, ये कुंभ मेला तूने क्यों बनाया? वेटर। यस सर। टेबल नंबर 7 कौन सा है? टेबल नंबर 7 वो है, लेकिन साहब उस पर बैठना मत। ये ले तेरी पेप्सी। थैंक्स। आई एम सॉरी सर। तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? हाँ। जुड़वा? हाँ। बेचारा न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है तुम्हारे लिए। कहाँ है वो? ट्रैफिक हवलदार बन गया वो। अरे वो मैं ही था। पर तुम तो पुलिस में थे। पुलिस में था, वो नौकरी करके भी देख लिया, मगर मोहन का सोहन से कोई मिलन नहीं हुआ। फिर ये वेटर बन गया मैं। उसे एक चीज का बहुत शौक था, मुद्रा सुनने का, और यहाँ तो अंग्रेजी मुद्रा चलता है, इसलिए मैं नौकरी कर ली। मैं ये सोच रहा हूँ कभी ना कभी वो यहाँ आएगा और मेरे मुलाकात। नहीं, 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 आप प्लीज इस टेबल पर बैठिए। प्लीज पिंकी, आप किसी और टेबल पर बैठ जाइए। oh, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। पागल यहाँ पे आ गया? कहीं तूने तो इसे नहीं बताया था कि हम यहाँ आने वाले? तेरी कसम, मैंने इस बार कुछ नहीं बताया। आप इस टेबल पर इसलिए नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये जोजो की टेबल है। कौन जोजो? अरे शहर के सबसे खतरनाक आदमी का बेटा, वो हमेशा हंसता रहता है। ऐसा कुछ? हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब उसकी हंसी रुक जाती है ना तो लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जब उसकी टेबल पर कोई और बैठ जाता है ना तो उसकी हंसी एकदम से रुक जाती है। फिर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ये होता है ये। और इनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि ये लोग इस टेबल पर बैठ गए थे, बस जोजो ने देखा और इनको मार फाड़ कर कटपीस बना दिया। आइडिया शीतल। हाँ। इसको पिटवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे रहने दे, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ उल्टा हो जाए। और अगर मैंने उसे पिटवा दिया तो? लगी 100-100 की शर्त? लगी। यस। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जैसे अच्छे आदमी का फोटो इसमें लगे। मेहरबानी करके यहाँ से उठ जाओ, मेरे बाप वो आगे दौड़ पड़ करेगा। हाय विकी। मेरी बात सुनो। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? मे आई जॉइन यू प्लीज? हाँ हाँ बैठिए बैठिए। आप यहाँ कहाँ ज्वाइन हो रही है मैम साहब? अरे इस टेबल पर जो ज्वाइन होता है उसके सारे जॉइंट्स निकल जाते हैं। आप किसी और टेबल पर ज्वाइन हो जाइए प्लीज। एक, एक। ये क्या हो रहा है? जानते नहीं कस्टमर्स के साथ कैसे बात की जाती है? ये 7 नंबर टेबल है सर। तो क्या हुआ? ये जोजो की टेबल है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जोजो के आने का टाइम हो गया है, उसका ऑर्डर लेकर आओ। कौन जोजो? जोजो देखिए मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आप यहाँ से प्लीज उठ जाइए, ये टेबल रिजर्व्ड है। अगर ये टेबल रिजर्व थी तो आपको इस टेबल पर रिजर्व की प्लेट लगानी चाहिए थी। आप लोग नहीं जानते जोजो बहुत डेंजरस आदमी है। आप क्या समझते हैं? अगर वो डेंजरस है तो मिस्टर विकी भी डबल डेंजरस है। क्यों विकी? हाँ हाँ डबल क्या, ट्रिपल डेंजरस हूँ। अब तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे जोजो आए या भोभो। हेलो। हेलो। कौन? वही जो तुम्हारे दिल की हर एक बात जान लेता है। तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? देखिए बड़ी मुश्किल से दिल की सारी ताकत जमा करके उंगलियों को दी है ताकि तुम्हारा नंबर डायल कर सके। प्लीज बिना बात के फोन मत बंद करना। ठीक है जल्दी बताओ क्या बात है। मैं हमेशा के लिए इंडिया जा रहा हूँ, इसीलिए आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए इंडिया जा रहे हो? हाँ। तो तुम मुझसे आखिरी बार मिलना चाहते हो ना? हाँ। All right, ठीक है, आ जाओ। आ गया। आओ। ये क्या बदतमीजी है? वो क्या है कि वक्त बहुत कम है ना, इसलिए एक एक सेकंड बचा रहा हूँ। ठीक है, बोलो क्यों मिलना चाहते हो? ये कार्ड देना था। कार्ड? मेरी शादी का। किस बेचारी लड़की की किस्मत फूट रही है?
इसकी। तुम इस लड़की से शादी करोगे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ करेगी यही करेगी। लेकिन तुम शादी के लिए राजी कैसे हुए? क्या करूं, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? कहानी में बहुत ट्विस्ट है, तुम कहो तो कहीं बैठ के सुना। ठीक है प्रीति, बात यह है कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी दोस्त थे, और मेरे पिताजी के पिताजी और इसके पिताजी के पिताजी भी दोस्त थे, और इसके पिताजी के पिताजी ने मेरे पिताजी के पिताजी से मरते समय ये वादा लिया था कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी की दोस्ती चार पीढ़ी तक चलाने के लिए मेरी शादी इससे करवा देंगे। अब तुम्हें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी को टाल नहीं सकता, पिताजी को टाल नहीं सकती, ये शादी टाल नहीं सकती, ये तो अटल है, बिल्कुल अटल। समझ गई, फैमिली प्रॉब्लम। अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? एक प्रेजेंट दे दो। क्या प्रेजेंट चाहिए? अपनी एक हसीन मुस्कुराती हुई शाम दे दो, जिसकी याद आने वाले जिंदगी के अंधेरे में उजाला फैला दे। बोलो मिलोगी ना? ओके। आदमी नशे में कभी झूठ नहीं बोलता। करेक्ट, बोल ही नहीं सकता। तुम्हें याद है वो सिग्नल पर तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई थी? वो टकराई थोड़ी थी, वो तो मैंने जानबूझकर ठोकी थी। है? जानबूझकर ठोकी थी? क्या करता, तुमसे दोस्ती जो करनी थी, दोस्ती के लिए मिलना जरूरी था और मिलने के लिए बहाना जरूरी था, इसलिए और मेरी टेल लाइट डाउन। लेकिन ये दोस्ती करने का तरीका गलत था। करेक्ट। और वो पैसे देने का तरीका तो बिल्कुल गलत था। वो क्या है कि लव का एक्सपीरियंस नहीं था ना भाई। तो ठीक है। अब एक बात मैं भी तुम्हें बताती हूँ। बोलो। होटल लिटिल इंडिया में मैंने तुमको चढ़ाकर जोजो से लड़वाया था। बहुत बुरी बात है। हाँ वो क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं था ना भाई। फिर ठीक है, बैठो बैठो बैठो। हाँ मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, उसके लिए सॉरी बोला? नहीं बोला। मैंने भी सॉरी बोला? नहीं बोला। चलो हम एक दूसरे को अब भी सॉरी बोलते हैं। सॉरी। एक मिनट, तुम्हारे कंट्री में सॉरी ऐसे नहीं बोलते। तो फिर कैसे बोलते हैं? ऐसे। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। हैं? अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। चलो हम भी एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। हाँ रेडी, 1 2 3। ठहरो ठहरो, जब दो लोग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? अरे यार ये किस गलत टाइम पे नाक अड़ाई है? तुम्हें नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछते हैं। अरे भाई साहब, भाई साहब एक बात बताइए, जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? अरे कुछ तो बोलो। माफ कीजिए मैं शहर में नया आया हूँ। कोई बात नहीं, हम किसी समझदार आदमी से पूछते हैं। किथे जाना जी? जाना किथे भी नहीं सरदार जी, सिर्फ एक गल पूछनी है। ओए क्या, 10 पूछो 15 पूछो। जब लड़का लड़की एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो उनकी नाक क्यों नहीं टकराती? क्या सोच रहे हो पाजी, ये कोई सरकारी राज थोड़े ही है। ओ सरकार ते सरक गई है। ओ मैं नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा कि मेरे 20 साल हो गए शादी नू
आज तक मैंने अपनी बीवी नु सॉरी नहीं बोलिया। मैनू किसा पता लगेगा कि नक क्यों नहीं टकरांदी। और मेरी गल मनो, और तुसी दोनों जड़े है ना, आपस में सॉरी बोल के देख लो, फिर पता चल जाएगा नक क्यों नहीं टकरांदी। मैं भी आज घर जाके बीवी नु बोलांगा सॉरी, और देखांगा नक किथे टकरांदी है। ए फिर गड्डी उथे ही जांदी है। थैंक यू। क्या समझदारी की बात कही है इन्होंने। चलो हम भी एक दूसरे को सॉरी बोल के देखते। ओके। ठहरो, तुम मुझसे सॉरी कैसे बोल सकते हो? क्यों? इसलिए कि सॉरी उसी को बोलते हैं जिससे शादी करते हैं। मैं भी तो उसी को सॉरी बोल रहा हूँ जिससे शादी करूँगा। वेलकम वेलकम, दिस इज माय सन भिकी, मिस्टर मार्शल, प्लीज सिट डाउन, एंजॉय योरसेल्फ। सिंगानिया साहेब, सिंगानिया साहेब। तुम? यस मैं। तुम्हारा कोई भाई है? हाँ। जुड़वा भाई? हाँ। कुंभ के मेले में खो गया था? हाँ। अरे तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बेचारा इंडिया से तुम्हें ढूंढने आया है। कहाँ है? कभी ट्राम कंडक्टर बन जाता है, कभी वेटर बन जाता है, कभी कभी बैंड मास्टर बनता है। अरे यार, तुमको बार बार वही मिलता हूँ क्या? अरे मैं ही मोहन हूँ। मैंने सोचा मेरा भाई स्मगलर बन गया होगा, यहाँ तो पार्टियाँ वार्टियाँ होती रहती है, कहीं ना कहीं मुझे नाचते गाते मिल जाएगा। हे भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? Hey, play man! या, 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 या।